नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया विषय, एक ऐसा विषय जिस पे आज तक कभी किसी ने चर्चा नहीं करी है, मैं वो विषय लेके आया। पहले भी मैं हमेशा सामान्य विषयों से बाहर निकल के ही काम करता रहा। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, इसके कई बार सिम्टम्स को लोग समझ नहीं पाते हैं, एक बात पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि इसके विषय में बहुत सारे लोगों की समझ ठीक नहीं है, तो ये विषय कई बार हम नहीं जानने के कारण से इसका सही इलाज भी नहीं कर पाते हैं। और हमें पता ही नहीं होता कि कई बार व्यक्ति बच्चे से युवा, युवा से प्रौढ़ हो जाता है और उसको इलाज ना मिलने से उसके पूरे जीवन में असफलता, दुख, पीड़ा और बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं जो वो बचाया जा सके। तो मैं आज आपके साथ वो सब चीजें शेयर कर रहा हूँ और एक कुंडली पे भी चर्चा करूंगा जिसमें थोड़ा सा लेट लेकिन समय रहते फिर भी पता चलने पे उन्होंने उसका इलाज कराने से उसका बेहतर जीवन शुरू हो गया है। तो आज का विषय है ADHD। ADHD क्या होता है ये आपको मैं अभी समझाता हूँ। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये अगर मैं इसको विभाजित करके शब्दों को अलग अलग बोलूं, अटेंशन डेफिसिट यानी कि आप एकाग्र होकर किसी भी काम में या किसी भी चीज में बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि कभी कभी आप इतने हाइपर होते हैं कि वो आप वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव और दूसरों को नुकसान बचाने वाले भी होते हैं क्योंकि आपकी शरीर में एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और उसको डायरेक्शन ना मिलने से वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। वो मैं आज आपको अभी इस विश्लेषण में आगे बताता जाऊंगा कि क्या क्या लक्षण होते हैं और इनके क्या उपाय हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ADHD में जो है बहुत कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लैक या पुअर अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, रॉन्ग थिंकिंग, हैवक न्यूरल बायोलॉजिकल क्रॉनिक सेल्फ कंट्रोल बिहेवियर्स, इम्पल्सिव एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप यानी कि दूसरों से संबंध बनाने में जब हम कार्य कर रहे होते हैं दूसरों से संबंध बनाने में बड़ी समस्याएं आ रही होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज, अनरिलेंसेंटिंग रिलेशनशिप, न्यूरो बायोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, स्कूल विदाउट जो होते हैं वहाँ स्कूल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हम अटेंशन नहीं होते हैं, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं रह पाती है, जल्दी झगड़े हो जाते हैं, आपस में अलग हो जाता है, ये बहुत सामान्य से घटनाएं छोटी छोटी हो रही होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये एक बीमारी है, एक रोग है, इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है और ये अगर समय रहते जानकारी मिल जाए तो आप बहुत बढ़िया तरीके के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट जो नजर आ रहा होता है उसको ब्रिलियंट और जीनियस के तौर पे भी बना क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसको एक डायरेक्शन और एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिस दिन वो मिल जाती है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेमोरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फंक्शन, बॉडी के फंक्शंस के डिसऑर्डर हो सकते हैं, डेफिसिट हो सकती है, तो कोई भी काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी भी चीज में प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, हम जैसे पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सारी चीजें, एक एक चीज इसमें पता चल रही है कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच कैन अफेक्ट योर चाइल्ड सक्सेस एट स्कूल, बिकॉज ये क्यों होता है एज वेल एज देयर रिलेशनशिप, ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ब्रेन में कुछ, आप इसे साधारण शब्द में सुने या समझे तो केमिकल लोचा जो शब्द इस्तेमाल होता है एक चालू भाषा में, तो वो बहुत सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक है। हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और उन ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का काम होता है कि कम्युनिकेशन और बैलेंसिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करें, और इस काम को करते समय भी कहीं पे भी उनमें किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस आएगा तो वो कम्युनिकेशन की कमी या कहीं पे बैलेंसिंग की कमी से बड़े सारे अलग अलग रोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसकी डेवलपमेंटल जो नेचुरल डेवलपमेंटल होती है उसमें प्रॉब्लम है यहाँ, तो आप महसूस करेंगे कि ऐसे में किसी भी बच्चे के जो होती है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है।
सकती है। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ब्रेन से रिलेटेड बात आती है। तो हमारा फर्स्ट हाउस जुड़ जाता है, हमारी मरकरी जुड़ जाती है, हमारा सूर्य जुड़ जाता है, हमारा मंगल, केतु, गुरु, चंद्रमा, शुक्र, ये सभी ग्रह कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि हमारा कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे समस्त ग्रहों का कोई ना कोई प्रभाव ना हो। सभी जगह पे समस्त ग्रहों का प्रभाव होता है। अधिकार क्षेत्र हम कह सकते हैं कि ब्रेन का या न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बुध से बहुत विशेष रूप से रहता है। तो ये जब कहीं इसकी, जिसे कहना चाहिए कि न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम जब होती है, यानी कि जब वो बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब ये डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है किसी टाइप का जिसके कारण से ये होता है, उसका प्रभाव हमारी सोशल इंजीनियरिंग में, सोशल लोगों के साथ इंटरेक्शन में, सोशल रिलेशनशिप में और हमारी कंसंट्रेशन कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट। और इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। कई बार इसको समझना और रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी पीछे एक, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ क्लास में किसी ने एक चार्ट रखा और उन्होंने कुछ सिम्टम्स रखे। मैंने उनको बोला कि आप इनको सीधा सीधा जाके बता दीजिए कि इनको, मुझे ADHD लग रहा है। और स्टूडेंट ने जिनको बताया, वो बच्चे की मदर खुद एक डॉक्टर थी, और उन्होंने जैसे ही चेक कराया तो ये बॉर्डर लाइन एक सिम्टम इसमें नजर आया। अब ये इसी तरीके की कुछ सिम्टम से मिलती जुलती अलग अलग डिजीज भी बहुत सारी होती हैं, जिसमें आप मतलब ADHD के बाद बड़े सारे ऑटिज्म भी हो सकता है, सेरेब्रल पैलेसी भी हो सकती है, जो आप कह सकते हैं वर्स्ट 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 चीजों की तरफ हम जाएं तो। बट इसमें ये कहते हैं ना, माइन्यूट से लेकर हाइपर तक की चीजों के ऊपर ही बात हो, हम बहुत गंभीर रोगों तक नहीं जा रहे। ना ऑटिज्म की मैं बात करने लगा हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पे सेरेब्रल पैलेस। सिम्टम्स जो होते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में जो होते हैं, वो दो टाइप के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आता है इन अटेंटिवनेस और दूसरी होती है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। अब अटेंटिवनेस जैसे कि कमी आना, जैसे हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं वो कहीं बैठते हैं और वो कहीं पे भी एक पर्टिकुलर चीज में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, थोड़ी देर में ही उनका दिमाग कहीं और पहुंच जाता है, कुछ और सोचने लग जाते हैं, सामने बैठे क्लास चल रही है लेकिन उनको सुनाई कुछ नहीं दे रहा क्योंकि वो अटेंटिव नहीं है। ये स्टूडेंट्स बहुत सारे जो होते हैं वो बड़ी कॉमन रूप से, आप ये बात बच्चे से सुन सकते हो कि वो कहेगा कि मेरा ध्यान हट जाता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता पढ़ाई में, मेरा ये नहीं होती, मेरी वो नहीं होती। देखिए, कंसंट्रेशन और अटेंटिवनेस के लिए दो हम चीजों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन जब भी हम बात करेंगे तो चंद्रमा हमारा मुख्य रूप से है, वो पीड़ित होगा जरूर, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड है, वीक है, डिस्ट्रॉयड है, तो उस आदमी में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सबको बहुत ज्यादा मिलती है। अब अटेंटिव होने के लिए कभी कभी क्या होता है, ये चंद्रमा जो है शनि या मंगल से पीड़ित नजर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि अटेंटिवनेस में भी कभी कभी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए, जैसा उसे अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों पीड़ित होंगे, दोनों ही डिस्ट्रॉयड होंगे, तो वो एक दूसरे को अपनी वो वाली क्वालिटी देंगे कि एक दूसरे का तबाह करने। और हाइपर एक्टिविटी में आप हमेशा देखेंगे मंगल का मुख्य रूप से रोल रहता है, और ऐसा मंगल अगर कहीं राहु से जुड़ जाए या केतु से जुड़ जाए तो हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी और ऐसे लोग बहुत ज्यादा काम करने में ध्यान देंगे। यानी फर्स्ट हाउस भी आप देखेंगे डिस्ट्रॉयड है, फिफ्थ हाउस भी बहुत ज्यादा उनका आपको खराब मिलेगा, और जहां चंद्रमा बैठा है उस पे पाप प्रभाव आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मंगल भी कोई शत्रु राशि, पाप प्रभाव में और बहुत बुरी तरह से पीड़ित नजर। शनि की भी स्थिति खराब हो सकती है, जब शनि की स्थिति खराब होगी तो हमारी बहुत सारी चीजों की, जो कहते हैं ना एक संभल के चलने वाली जो आदत होती है, वो खत्म हो जाती है। और मंगल एग्रेसिव करता है, दूसरों को तंग करने में बड़ा मजा आता है उसे, मंगल चाहता है कि मैं अपनी पावर को दिखा सकूं। कभी कभी ये दूसरों को नहीं तंग करते हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे रहते हैं कि वो उनको, उनके पास एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, तो उस एनर्जी लेवल को स्पोर्ट्स में या कहीं और डाइवर्ट करके आप उसको एनर्जी को कम कर सकते हैं, ताकि वो फिर बाकी समय में अपनी कंसंट्रेशन को बेटर। तो ये कुछ चीजें जो होती है हमारी बिहेवियरल और हैंडलिंग की जो चीजें होती है, वो उसके लिए हमें कोई मंत्र जाप की कोई जरूरत नहीं होती, हमें समझना चाहिए कि किस व्यक्ति के लिए क्या चीज सही है और उसके अनुसार अगर हम जीवन में उसको परिवर्तित कर देते हैं तो बहुत सारा काम आराम से हो जाता है। बहुत सारे लोग इन दोनों कैटेगरीज में होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ या तो कंसंट्रेशन की कमी होती है, यानी अटेंटिवनेस की कमी होती है, वो फिल्म देखने बैठते हैं तो फिल्म पूरी खत्म हो जाती है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि बीच में कौन से सीन क्या क्या आए थे, वो उनको ध्यान ही नहीं होता, उनको सुनाई नहीं दे रहा होता, वो कुछ और सोचना। तो ये चीजें अगर आप कहीं पे भी अनुभव कर रहे हैं अपने किसी परिचय, तो या तो किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जिनकी
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए, आप उनसे कंसल्टेंसी लें, जरूर लेनी चाहिए, टालनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ को, पर्सनालिटी को, उनके बिहेवियर को, उनके रिलेशनशिप को, उनके सोशलाइजेशन को, सबको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये चीजों को अगर आप ध्यान में रखकर चल रहे हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर व्यक्ति हाइपर एक्टिविटी वाले में नहीं है और सिर्फ अटेंशन की वो है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे योगा और कंसंट्रेशन के बड़े सारे कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके माध्यम से आप इवन किसी किसी गुरुओं के माध्यम से कुछ ध्यान मुद्राएं और इन सब के माध्यम से भी उसको ठीक करा जा सकता है, और दवाई थोड़ी बहुत अगर आवश्यकता हो तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मन की जो कहते हैं ना भटकाव की स्थिति है, उसको आप कंसंट्रेशन लाकर उसको एक जगह केंद्रित करने की जो कला है हमारे योग में है, उसको आप शुरू करवा के कर सकते हैं। अब मैं इसके विषय में और थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जो कंसंट्रेशन वाली जो सिर्फ प्रॉब्लम है ना, अगर वो है तो उसके बारे में अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता और समझ नहीं आता। वो समझते हैं कि हमारा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या हमारे बच्चे में कुछ कमियां हैं जिसको जिसके कारण से वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पा रहा, इस प्रकार से वो विचार करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ एक केवल उसकी कंसंट्रेशन को ठीक करते ही उसकी पूरी जीवन के रिजल्ट्स बदले जा सकते हैं, ना कि सिर्फ एजुकेशन में। वही चीज उसको प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे काम आएगी, वही चीज उसकी और जगह पे भी काम आएगी। आपने कुछ लोग देखे होंगे गाड़ी चला रहे हैं लेकिन वो खोए हुए, उनको होश ही नहीं होता, बस वो चलते जा रहे होते हैं, उनको बस ठीक है वो चला रहे होते हैं, किसी को मारते नहीं है, लेकिन वो मेंटली वो कहीं और होते हैं, फिजिकली वो गाड़ी चला रहे होते हैं। इसी तरह वो क्लास में भी होते हैं, इसी तरह वो कुछ और जगह पे भी होते हैं, वो फिल्म देखने जाते हैं या कहीं और कुछ काम कर रहे होते हैं, मार्केट में खड़े होते हैं, लेकिन वो मेंटली कहीं और होते हैं और फिजिकली वो खड़े होते हैं। तो मेंटली भी उस जगह पे होना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों नहीं होता? ये चंद्रमा है, मैंने आपको बताया कि ये चंद्रमा जब डिस्ट्रैक्ट होगा, जिस समय डिस्ट्रॉयड होगा, ये ऐसा बहुत कॉमन है। अब यहाँ आप कोई भी इसका अर्थ डेबिलेटेड चंद्रमा से ना निकाल लें, प्लीज ऐसे ना करें। किसी अच्छे विद्वान से चंद्रमा की स्थिति दिखाने के लिए पैसे थोड़े खर्च करें, कोई नुकसान नहीं है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा जीवन भर के लिए, उसे आप सही डायरेक्ट। तो डेबिलेशन नहीं, उसकी वीकनेस को देखना, उसकी स्ट्रेंथ को देखना बहुत। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा बच्चा जो है टीनेजर होने पे भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और बहुत सारे जो होते हैं 10 में से 2-3 लोग होते हैं जिनके बारे में आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो पूरी लाइफ निकल जाएंगे और उनकी ADHD की प्रॉब्लम के कारण से। कभी कभी आप अपने प्रिय चॉइस का काम नहीं कर रहे होते या चॉइस की चीज नहीं कर रहे होते तो भी आप कंसंट्रेट नहीं कर। तो ऐसा भी हमें देखना आना चाहिए कि क्या समस्या किसी चीज की कंसंट्रेशन की, किसी उसकी पर्टिकुलर चॉइस की काम ना होने के कारण से है, तो हमें उसके चॉइस के काम की, तो वो वहां पे बेस्ट अपने परफॉर्मेंस दे सकता है। योग्यता में कभी कभी कमी नहीं होती, लेकिन आदमी का जो ध्यान उसमें काम में ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट की कमी है, तो वो फिर उसमें उस प्रकार के रिजल्ट नहीं दे। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए कि अगर इन अटेंटिवनेस के जो होते हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि उसके हैविंग शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स होते हैं, टीचर बोल रहा है तो सुनते सुनते उसका ध्यान हट गया, कहीं और चला गया, कोई एक ऐसा वर्ड बोला जिससे कि वो व्यक्ति जो बच्चा है वो सीधा उस जगह पे पहुंच गया जहां जिसकी चर्चा होने लगी। मान लीजिए कहीं पढ़ाते पढ़ाते अंतरिक्ष शब्द आया और बच्चा अंतरिक्ष में सोचने लग गया, तो उसको पता ही नहीं चला इसके बाद टीचर ने क्या कहा, कैसी बात कही, अमेरिका बोला अमेरिका पहुंच गया, चाइना बोला चाइना पहुंच गया मानसिक रूप से, और लेकिन वो क्लास के अंदर नहीं है। उसके बाद उसको क्लास में क्या चल रहा है उसकी चर्चा है उसको ध्यान ही नहीं, और वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। और ये कभी कभी घर में लोग आपस में बैठे चर्चा कर रहे होते हैं तब भी आप अनुभव कर सकते हैं कि वो डिस्ट्रैक्टेड होगा, आपको पता ही नहीं होगा, वो आप वो बाद में कहेगा अच्छा आपने क्या कहा मेरे को नहीं सुनाई दिया, क्योंकि वो मेंटली कहीं और है, फिजिकली वो जरूर वहां। या आप घर में भी आप महसूस कर सकते हो, इसका भी इलाज है, मेडिकली भी है, एस्ट्रोलॉजिकली भी है, और जीवन की आदतों को बिहेवियर को बदलने से। तो जैसे स्कूल वर्क में नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा, क्लास में होमवर्क मिला उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, कौन सी वजह है। अगर आप ढूंढ लेंगे तो आप उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर, उससे रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, उसके दूसरी चीजों को ठीक करा जाए। ये आप देखेंगे कि बच्चे में ये सिम्टम्स मिल सकते हैं कि वो भूल जाएगा कोई भी चीज, सामान भूल जाएगा, पेंसिल छोड़ाया, रबड़ छोड़ाया, गुमा आया, वो बोलेगा मेरे को याद नहीं, कहीं डेस्क में रह गई होगी, मेरी वहां रह गई होगी, सब चीजों को इकट्ठा करके वापस डालने। जैसे ही क्लास खत्म होगी स्कूल आना है तो वो नहीं कर पा रहा होगा, इसका मतलब उसके अटेंशन में डाइवर्जन है, क्योंकि वो करता कोई करते समय कुछ और सोच रहा है मन में,
और उसका ध्यान वहां नहीं है जो काम को कर रहा है, तो इसलिए वो चीजें छूट जाती हैं। आप घर में देखेंगे कि सब कुछ उठा के कोई ले गया डाइनिंग टेबल से और कुछ चीज फिर भी छूट गई, तो आप कहोगे यार कैसे, ओ कैसे मेरा ध्यान नहीं गया। तो इसका मतलब वो काम करते समय मानसिक रूप से उस जगह पे नहीं था। बॉटल छूट जाना, पेंसिल स्कूल में कॉपी छूट जाना या कोई और चीज छूट जाना, ये एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ, और वो किसी एक काम के लिए वो एकदम से कंसंट्रेट ना कर पाए, स्टिक ना रह पाए उस काम के लिए, और टेडिडियस ना हो, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो उसका, बहुत जो एक काम आधे घंटे में होना चाहिए वो 2 घंटे लगा रहा है, तो इसका मतलब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट बात बताता हूँ कि जब तक मेरा मन नहीं होता, ये मैंने पीपीटीज बनाई थी जनवरी में, आज मैं जून में इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब सोचिए कि मैंने जनवरी में पीपीटीज बना ली थी कि मैंने वो करना, मेरे मन से आवाज ही नहीं आई कभी भी कि मेरे को ये काम करना है, इसके ऊपर वीडियो बनाना है। बीच में और बड़े सारे काम शुरू होते चले गए, मैं उनमें डाइवर्ट होता। तो कहीं ना कहीं हम में थोड़ी थोड़ी से लक्षण हो सकते हैं, हर एक के अंदर, मेरे में भी हो सकते हैं, आप में भी हो सकते हैं, लेकिन इनका इलाज है। जैसे ही आपको सही जानकारी मिलेगी आप इसको ठीक कर सकते। तो वो आपकी बात को सुन नहीं रहा होगा या नहीं देख पा रहा होगा, और वो उस आप जैसा चाहते हैं वैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा होगा, ये आप देख। हमेशा नई नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, पुरानी एक्टिविटीज से डिसहार्टेड होके या उसका डिसइंटरेस्टेड होके वो कहेगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा। 4 दिन के बाद दूसरी चीज के लिए बोलेगा, 6 दिन के बाद तीसरी चीज के लिए बोलेगा। आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं ADHD की प्रॉब्लम है, इसकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, इसको कुछ और तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत है। बोलने से, नाराज होने से ठीक नहीं होगी, गुस्सा करने से ये समस्या खत्म नहीं होगी, कोई भी काम को ऑर्गेनाइज करने में उसे दिक्कत आ रही होगी। और अगर वो हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव भी है इन सब सिम्टम्स के साथ, तो आप समझ लीजिए ये थोड़ी सी एक नंबर 2 स्टेज की चीज होगी, जहाँ पे उसको और चीजों के लिए भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, कि उसकी एनर्जी को डायरेक्शन चाहिए, उसकी एनर्जी को रिलीज होना जरूरी। जब ये एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो ही प्रॉब्लम। देखेंगे ऐसे लोग या तो बहुत हाइपर डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं या दूसरों की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनको बड़ा मजा आता है आते जाते चीजों के अंदर छेड़ाखानी करने का, मतलब वो पंगे लेंगे दूसरों से, कोई चीज छेड़ देंगे, कहीं चीजों पे सामान, मतलब जैसे आपने एड्स भी देखी होंगी, बच्चा चौक से गाड़ी के ऊपर निशान बना रहा है, तो उसको ऐसी शरारतों में बहुत मजा आया। सामान्य शरारतें नहीं, किसी के आते जाते कहीं पे भी पत्थर मार के कोई चीज तोड़ देना या ऐसा कुछ करना, उसको इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होगा। आप समझ जाइए कि उस बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिव, उसको स्पोर्ट्स में डालें, उसको डायरेक्शन दें, उसकी एनर्जी को रिलीज करें, उसको कहीं ना कहीं उसमें ले जाएं जहां से वो अपने आप को रोक सके। आजकल एक मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के लिए एक गेम आई है जहाँ पे बच्चे को कंसंट्रेशन गेम में करना सिखाया गया है। आप बहुत हैरान होंगे, अभी बड़ी रिसेंट रिसर्च है और लास्ट 6 मंथ से इस रिसर्च पे काम हुआ, और अभी मैंने पिछले 2 या 3 दिन पहले इस रिसर्च के बारे में पढ़ा है कि इस प्रकार से भी उन्होंने बड़े सारे बच्चों का ट्रीटमेंट किया है, कि गेम के थ्रू उसकी एनर्जी को, कंसंट्रेशन लगाने की तरीके को बेहतर करा है और वो बच्चा नॉर्मलाइज बिहेवियर कर रहा है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप सब जने आप वो गेम ढूंढें और खरीद के बच्चे को पकड़ा दें, ये आपके बच्चे की जरूरत है या नहीं है ये पहले समझें, उसके बाद ही करें। बट इलाज में इस प्रकार की भी आज की स्थिति बन गई। ये मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ा है, रिसर्च पढ़ता रहता हूँ, मेरा शौक है कि क्या नई रिसर्च आ रही है ह्यूमन माइंड बॉडी और उससे रिलेटेड क्या क्या चल रहा है। मेरा मैं बहुत कोशिश करता हूँ नई से नई जानकारी मुझे मिले। वो किसी भी समय पे जब हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे होते हैं वो, या व्यक्ति होता है, वो किसी भी एक काम के लिए या किसी एक चीज के लिए वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उसको फटाफट से कुछ और हमेशा कहीं ना कहीं मूव करना होता है, वो भागेगा इधर बैठे। अगर वो कहीं बहुत शांत और उसमें है तो आप उसको देखोगे कि वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा। मान लीजिए कहीं आप उसको बिठा दो पार्क में कि चल थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, तो आप देखेंगे वो 5 to 7 मिनट्स में कहेगा मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्या एक खाली बैठना मेरे से नहीं हो पा रहा। तो आप समझ लीजिए कि उसको उसकी उसमें एनर्जी लेवल ज्यादा है, उसको डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। उस एनर्जी को जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे वो बच्चा नॉर्मलाइज बिहेवियर नहीं कर पाएगा, वो किसी दूसरे काम में भी कंसंट्रेट नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चा कंसंट्रेट करे, तो इसके लिए हमें उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके समझ के और प्रॉपर जो उसका रिलेटेड ट्रीटमेंट बनता है वो ही केवल कराना चाहिए। अब आपको एक बहुत मजेदार लक्षण बताता हूँ, ये मैंने अनुभव भी किया है कि ऐसे बच्चे या तो वो हाथ या पैर या कोई और चीज वो कंटिन्यूअसली हिलाते रहते हैं।
अब देखेंगे कुछ लोग होते हैं वो बैठे बैठे पैर हिलाते रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं, रुक ही नहीं सकते। तो ये सिम्टम पकड़ लीजिए आप, कहीं ना कहीं इसमें इस चीज की कोई कमी है, क्योंकि इसकी अंदर एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसको डायरेक्शन की जरूरत है। ये एक जगह बैठ के अगर कहीं बैठा है, इसको कोई काम करना है तो ये हाथ हिलाता रहेगा, पेन हाथ में लेगा तो यूं 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 करता रहेगा, सोच रहा है और यूं यूं कर रहा है, और या पैर हिलाता रहेगा या हाथ हिलाता रहेगा, कोई टीवी देख रहा है तब भी उसके पैर हिलते रहेंगे, और कुछ और कर रहा है तो भी वो हिलता रहेगा, डुलता रहेगा, कुछ ना कुछ हिलाता रहेगा। उसको सामान्य रूप से नॉर्मली बैठने में बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी काम में कंसंट्रेट करने में, कोई भी काम, इवन जॉब, प्रोफेशन, एजुकेशन से मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, सब जगह पे भी उसको हमेशा कंसंट्रेशन करने में बड़ी दिक्कत है। कहेगा मेरे को, मैं ध्यान ही नहीं कर पाता कॉन्टिन्यूसली, एक चीज में मेरा ध्यान नहीं होता। तो आप समझ जाइए कि इस बच्चे का या इस व्यक्ति का कंसंट्रेशन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो पहले उसे सोल्व करें तो आपका व्यक्ति ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे। फिजिकल मूवमेंट में उसे बहुत मजा आएगा, जब तक वो बहुत फिजिकल मूवमेंट नहीं कर लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे अनईजी लगा रहेगा। आप खुद देख लीजिए, बहुत सारे लोग होंगे, आप देखेंगे जब तक उनकी पूरी एनर्जी रिलीज नहीं होती वो बहुत अनईजी रहते हैं, और उनके बिहेवियर में एग्रेशन के तौर पे भी आ, वो देखेंगे कि आप एकदम से छोटी सी बात पे इतनी जोर से हाइपर हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं हुई। जो हो जाएगी तो कभी तंग नहीं करेगी, और सही डायरेक्शन का काम भी नहीं मिल रहा होगा जहाँ पे उनको, जो उनकी चार्ट के हिसाब से एनर्जी जो है उसके हिसाब से अगर काम मिल जाए तो भी व्यक्ति जो है अपने आपको इसमें बहुत बेहतर रिजल्ट निकाल सकते। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने नोटिस किया है कि होता है कि हम सही काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी हमारी एनर्जी को जो है रिलीज जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं होता, और वो हमारे पूरी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल, वो बहुत बात करता मिलेगा, एक्सेसिव टॉक, बहुत ज्यादा बात करेगा और अपनी बात को ही फोर्सफुली रखने की कोशिश करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, ज्यादा जोर से अपनी बात को रखना चाहेगा। मैं यहाँ जोर से कहने का मतलब है मेरा कि उसके मेरिट्स हो ना हो बात में, लेकिन उसकी बात को वो बहुत फोर्सफुली और इस तरीके से रखेगा कि सब उसकी बात को सुने और माने, उसकी हमेशा प्रयास। आप कई बार देखते होंगे कुछ लोग होते हैं वो लाइनों में लगे होते हैं लेकिन अपनी टर्न का इंतजार नहीं कर पाते, वो बड़े बेचैन होते रहते हैं कि अगर उनको नंबर से या लाइन से उनको वहां जाना हो तो कई बार वो इंसल्ट फील करते हैं, कई बार उनको लगता है कि यार मैं कैसे लाइन में लग जाऊंगा, और वो लाइन तोड़ के सबको क्रॉस करके फटाक देने की, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। आप देख सकते हैं कि वो ADHD के कहीं ना कहीं सिम्टम उसमें ये वाले भी, तो ये भी उन सिम्टम्स में से एक है मजेदार, बगैर सोचे पहले काम कर देना, उसके बारे में विचार करना। ये तो आप जानते ही हैं, मंगल कभी भी जो है हाइपर एक्टिव लोगों के अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि वो कहीं पे भी बेकार मंगल, खराब मंगल, पीड़ित मंगल ऐसा ही बना देता है कि व्यक्ति मतलब हमेशा जो है पहले काम करता है बाद में विचार करता है, रीजनिंग या लॉजिक जो है वो बाद में करता है जब मंगल खराब होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, और कहीं लोग बात कर रहे होते हैं तो इंटरप्ट करेगा, अपनी बात को रखेगा, उनकी बात कहेगा खत्म करो पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सारी बात छोड़ो पहले मेरी बात सुनो। तो इस प्रकार का अगर बिहेवियर है, दूसरे की बात को सुन नहीं सकता, अपनी ही बात बताने की आदत है, क्योंकि लिसनिंग हैबिट अगर जिसमें नहीं है तो आप उसको भी ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति में हाइपर एक्टिविटी, जो जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी रिलेटेड ADHD रिलेटेड प्रॉब्लम है। वंस आप अगर दूसरों की बात अच्छे से सुन नहीं सकते, सिर्फ अपनी बात को ही रखना फोर्सफुली या अलग तरीके से भी, तो आप कहीं ना कहीं कुछ अंश तक इसकी समस्या से पीड़ित हैं। उसको डेंजर समझ नहीं आता कि ये काम करने में खतरा है, तो या तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता या कम उस खतरे से या उससे वो बहुत कम भयभीत होता है तो भी वो ADHD का पीड़ित है। मान लीजिए रिस्क लेके कोई काम करना हो, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है और वो व्यक्ति सोचता बाद में करता पहले है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आप देखेंगे ADHD का जरूर पीड़ित मिलेगा। ये भी सिम्टम्स में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बच्चे के जीवन में, मैं यहाँ बच्चे से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि बड़ों के लिए भी, लेकिन यहाँ भी पहले मैं बच्चों के बारे में बताता हूँ कि उनकी चाइल्ड लाइफ पूरी तरह से अलग कर देता है, खराब कर देता है। जहाँ कंसंट्रेशन की कमी होगी उसकी परफॉर्मेंस में अंडर अचीवमेंट रहेगी। मैंने ये आपको बार बार बताया कि आपकी कंसंट्रेशन की कमी है तो आप बात को सही से सुन नहीं पाएंगे, और आपके सुनना सुनने से आपके रिएक्शंस गलत हो सकते हैं, जिसके कारण से आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके रिजल्ट्स पे, आपकी अचीवमेंट्स में बहुत कमी हो सकती है। तो ये कंसंट्रेशन का
जो पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लाइफ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिन लोगों को अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उसे जरूर देखें, सोचें कि कहाँ कमी है और उसको किसी अच्छे डॉक्टर और अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्टेंसी लेके इसको ठीक करें। निश्चित रूप से ठीक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुअर सोशल इंटरेक्शन होगा, बहुत जल्दी जल्दी दोस्त टूटते चले जाएंगे, मैंने रीजंस बता दिए हैं पहले भी आप, और अडल्ट्स के साथ भी जो है उसको प्रॉब्लम होगी और उसको डिसिप्लिन में रहने में बड़ी प्रॉब्लम। अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी में ही ये वाली बात है कि वो डिसिप्लिन में नहीं रहना है, उसको लगता है मेरे को डिसिप्लिन में रहने की कह रहे हैं, मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसमें अपनी इस टाइप का माइंड डेवलप हुआ है कि वो प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर सकता कि सोशली कैसे रहना है, चीज में उसे कमी है। ये छोटे बच्चों में भी हो सकती है, टीनेजर्स में भी हो सकती है और बड़ों में भी। मैंने देखा, मैं आज एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा, बचपन में पता चल गया था तो उसका प्रॉपरली थोड़ा मतलब बचपन एग्जैक्टली छोटे बचपन मैंने टीनेजर्स में की एज में उसे पता चला था, उनका उसका ठीक कर लिया गया है। आज वो आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, टॉप क्लास कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे हाईली पेड बंदा है। जो हाईली पेड लोग होते हैं उनका टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और वो अपने व्यवहार से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी कुछ और चीजें हो सकती है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि वो नर्वस हो जाते हैं परिस्थितियों से, एकदम से घबरा जाते हैं उनको, कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जैसे कि समस्या आने पे भी वो घबरा जाते हैं, तो भी ADHD का एक पार्ट। तो फिजिकल सिम्टम्स में हो सकता है उसकी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाना, ये आपको बड़ी एज में भी मिलेगा, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जैसे कोई समस्या खड़ी होने पे वो नहीं हैंडल कर पाने वाली स्थिति उनको लगती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भी ये हो सकता है। और स्वेटिंग हो जाएगी, डिजीनेस हो जाएगी, चक्कर से आने लगेंगे उन्हें, घबराहट इतनी ज्यादा हो जाएगी। जबकि एक एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के अंदर इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए होता है, बट कहीं ना कहीं या तो उसकी कमी है या वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, तो भी उनको प्रॉब्लम। अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि कोई आपका विरोध कर दे तो भी आप बहुत ज्यादा उस बात से हर्ट हो जाते हैं और एकदम से उनको आपको लगता है कि मेरा कैसे, मेरी आलोचना कैसे करती है या मेरा विरोध कैसे कर, ना आप अपनी आलोचना सुन पाते हो, ना ही अपनी किसी और प्रकार की कोई कमियों के बारे में चर्चा सुन पाते हो, या कोई आपके अगेंस्ट बात कर दे तो भी आपसे बर्दाश्त। इसमें भी नेगेटिव और डिस्ट्रप्टिव जब बिहेवियर होता है पर्टिकुलर टुवर्ड्स अथॉरिटी फिगर्स सच एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनको एकदम से उनके प्रति जोर का गुस्सा आवेश आ जाता है और उनको लगता है कि मैं इनको ऐसे करूँ। छोटा होने के कारण बच्चा कई बार ये नहीं कर पाता, लेकिन मन में उसके यही होता है। आप कभी बैठ के पूछेंगे तो वो बता देगा, अपने पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है और अपने टीचर्स के लिए भी हो सकता है। कंडक्ट डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर होता है जैसे कि वो सोशली काम जो हम लोग कर रहे होते हैं उसमें, जैसे बच्चा पेंसिल चुरा लाता है, ये भी आप फोकस करके देख सकते हैं। आप अपने बच्चे की इन आदतों से जितनी मैंने आज बताई इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ऐसी समस्या तो नहीं है, अगर है तो इलाज और रेमेडीज की बहुत जरूरत है, तो करना बहुत जरूरी। बच्चों से लड़ेगा, चोरी करेगा, आते जाते किसी को कोई चीज हर्ट करता हुआ चला जाएगा, डंडी ले ली या कोई चीज ले लिया, मारता हुआ आ रहा है सब। अब औरों को नहीं मार सकता तो जानवरों पे, कुत्ते बिल्ली गायें कोई भी नजर आ गया तो उस पर वो कर रहा है, क्योंकि एनर्जी जब तक रिलीज नहीं होगी तो बच्चा ये करता रहेगा। हार्मिंग पीपल एंड एनिमल्स कोई भी चीज हो सकती है, वैंडलिज्म मतलब किसी तरीके से भी कोई दुस्साहस कर जाएगा जो नहीं कर, तो ये किसी भी बच्चे में है तो आपको कंडक्ट डिसऑर्डर के तौर पर से लेना चाहिए, ये भी ADHD का एक पार्ट है। डिप्रेशन में भी आ सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ये सभी अलग अलग रोग है। डिप्रेशन पे तो मेरे 3 वीडियोस की एक सीरीज है, मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा जरूर देखें, और स्लीप प्रॉब्लम्स पे भी मेरा एक वीडियो आया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। और बड़े सारे लोगों ने उन दोनों वीडियोस के बाद मेरे से कंसल्टेंसी भी लिया और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सलूशन भी बनाया है। ऐसे बच्चों को रात में नींद नहीं आती है, रेगुलर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, पैटर्न्स उनके बदलते रहते हैं बार बार, या आप बड़े आसानी से किसी भी सकते हैं कि वो ऐसा बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। तो आपको उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी एनर्जी को सही दिशा देनी है, उसको सही दिशा में लाना है, तो जैसे ही आप करेंगे रिजल्ट्स बदल जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि बच्चा आपका बेहतर रिजल्ट दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ गई है। ये बहुत सामान्य सी बात है। जब ये बहुत खराब हो जाता है तो ऑटिज्म से जैसे रिलेटेड मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में, इंटरेस्ट और बिहेवियर में, उसमें ये माइन्यूट से लेके बॉर्डर लाइन से लेके
और सीवियर तक की बातें आप देख सकते हैं। बॉर्डर लाइन जो होता है, ऑटिज्म जो होता है, उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी और ट्रेनिंग्स के माध्यम से। एजुकेशन भी आप दिलवा सकते हैं। मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को, मैं आगे ऑटिज्म पे एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ऑटिज्म कैसे जो है वो किस तरह से उसके रिजल्ट्स। एपिलेप्सी भी हो सकती है कभी कभी, जहाँ ब्रेन, मैंने शुरुआत में बताई दिया था कि न्यूरॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम से ये काफी अफेक्टेड है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर टाइप का ही थोड़ा सा इसका, ये भी बनावट का जैसे कहना चाहिए उस टाइप से है। तो लेकिन कभी कभी ये ज्यादा खराब होने पे, क्योंकि ब्रेन में भी एक एपिलेप्सी जो होती है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रप्शन 100 ऑफ द सेकेंड कहीं उसका ब्रेकेज होने पर ऐसा संभव है कि, या ज्यादा करंट आने पर तब होती है कन्वर्जेंस एंड एपिलेप्सिस, ये तब होता है। एक और है टॉरेटी, एक सिंड्रोम के नाम लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और जो नॉइसिस का या मूवमेंट्स का उसे अपने आप ही कुछ फीलिंग्स होती हैं, तो उस टाइप की लर्निंग डिफिकल्टीज होती है। डिसलेक्सिया करके एक बीमारी है, उसके बारे में मैं अभी फिर एक कवरेज दूंगा वहाँ पे, इसके ऊपर और ज्यादा आपको डिटेल में बताऊँ। मतलब आप ADHD को थोड़ा सा ध्यान अवश्य दें, पर ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत डेंजरस नहीं है, लेकिन ये पर्सनैलिटी को काफी हद तक इम्पेक्ट डालती है, तो इसलिए इसको कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको अब एक बहुत अच्छे से इसके ऊपर जो है एक वीडियो के एक चार्ट के ऊपर आपको बताता हूँ कि इस चार्ट से हम कैसे देख सकते हैं कि ADHD है या देखिए। ये एक आज यंग बॉय है, उसका चार्ट है, दिल्ली में जन्म हुआ था, और ये बच्चा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही हाइपर, बहुत, क्योंकि इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, सिर्फ कंसंट्रेशन की कमी होती है। तो ये जब टीनेज में था, अराउंड 10-11 इयर्स की, तब इसके पेरेंट्स को इसके इस चीज के बारे में किसी फ्रेंड ने इनको बताया कि इसको ADHD हो सकता है, तो उन्होंने इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली और इसकी कुछ मेडिसिन चली। तो ये करीब करीब जब स्कूलिंग खत्म होते होते तक ये काफी इम्प्रूव कर गया था, मतलब आप ये कह सकते हो शायद 12-13 साल की उम्र में अगर ये पता चला था तो 15-16 साल की उम्र में इसकी परफॉर्मेंस में बेटरमेंट आनी शुरू हो गई थी। प्रेशर्स भी कई बार होते हैं, पेरेंट्स के प्रेशर होते हैं कि तू ये अचीव कर और ये एजुकेशन प्रॉपरली ले, ये वाली तरफ जाओ, ये जाओ, तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का दबाव भी व्यक्ति बच्चा जो होता है उसकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करने में काम करते हैं। तो मैं यहाँ सभी से सलाह मेरी यही रहेगी, आग्रह भी रहेगा कि कृपया बच्चे की योग्यता को, उसके गुणों को समझें और उसके अनुसार ही उसकी उसकी उन गुणों को बढ़ाने में मदद करें और उसी को उसका प्रोफेशन बनाने में मदद करें। सब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कोई बड़े बिजनेसमैन बनेंगे या अलग अलग फील्ड्स में जाकर टीचर बनेंगे या कुछ और काम करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि डिग्री एक किसी भी चीज के लिए सिर्फ अर्निंग की कैपेबिलिटी देती है। आप समझदार हैं या नहीं है ये कहीं नहीं पता चलता, आप सोशली अच्छे से बिहेव करेंगे ये कहीं नहीं पता चलता, आप फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होगी कहीं से पता नहीं चलता, आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं वो एक भाषा है, बस वहीं तक उसको मान के चल। मैं नहीं बोल पाता तो इसका मतलब मेरी कोई योग्यता में कमी है या किसी और व्यक्ति की कमी है, जो संस्कृत बोलता है तो वो कम है या साउथ की भाषा कोई बोलता है तो वो कम है, ये सोचना गलत। तो आप बच्चे की योग्यता, पात्रता उसको समझें और उस जहां उसका इंटरेस्ट है वहां। तो यहाँ आप देख सकते हैं चंद्रमा काफी कमजोर है, मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो इस वीक चंद्रमा की स्थिति जो होती है, केतु का भी प्रभाव है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी। और जब ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी तो मैंने इस बच्चे के पेरेंट्स को बाद में बताया कि इसमें और भी कुछ इश्यूज हैं, कि इसमें बाइपोलरिटी भी है और भी कुछ चीजें जिनकी मैं रेमेडीज करा रहा हूँ, अभी चल रही हैं, क्योंकि मेरे से कंसल्टेंसी जो हुई है वो अभी रिसेंटली हुई है, तो मैं इस सब चीज का इलाज करा रहा हूँ जो इसकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और इसकी कंसंट्रेशन और इसकी सब चीजों का वो हो रहा है। और ट्रीटमेंट ADHD का इन्होंने पहले ले लिया था, जिसका लाभ ये हुआ कि आज ये बच्चा बहुत अच्छी कंपनी में, बड़े अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है। आप अगर मैं बोलूं तो बहुत मोटा पैकेज है इसका, सपने जैसे पैकेज होते हैं वो वैसा वैसा पैकेज है, उस लेवल का पैकेज लेने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कामयाब है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट राइट टाइम पे डॉक्टर्स ने कर लिया था, उसकी एजुकेशन में भी उससे लाभ हुआ और बाद में उसकी जॉब में भी हुआ। लेकिन अभी कुछ चीजें जो मुझे और नजर आई, जिनका मैं इसमें वो कर रहा हूँ, जिनके इलाज के बाद जो रेमेडियल जो
कुछ काम कराता हूँ मैं जो यूनिक है वो मैं करा रहा हूँ। और मैं एक चीज और बोलूंगा कि चंद्रमा के सामान्य उपाय तो हम किसी को भी कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय विशेष कुंडली में अलग। तो मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसा उपाय नहीं सजेस्ट कर सकता कि मैं जो आपको बताऊं कि मैं चंद्रमा के उपाय में ललिता सहस्रनाम, मंत्र जाप और पानी को बचाना, रुद्राभिषेक करना, ये मैं सामान्य तौर पे बताता हूँ। ये सभी को करने चाहिए जिसको चंद्रमा को ठीक करना। लेकिन हर कुंडली का कुछ ना कुछ विशेष उपाय होते हैं और यूनिक होते हैं, वो हर कुंडली में अलग होते हैं। और जब तक वो उपाय आप नहीं करेंगे तब तक आप कभी इसको ठीक, सामान्य उपायों से आप एक कहते हैं कि मेंटेनेंस डोज जिसे कहते हैं वो चलती रहती है। आप मेंटेनेंस डोज में रहेंगे जिससे कि आपकी मेंटेन रहेंगी प्रॉब्लम्स को, आप जहाँ है वहीं पे उसको रोक सकते हैं, डैमेजिंग कम कर सकते हैं। कुछ लोग आपको मोती पहनने के लिए भी कह सकते हैं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता। मेरे को ये सब चीजें रतन और इस टाइप की जो होती हैं वो चीजें नहीं होती। मैं कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज हैं मेरी वो मैं बताता हूँ, और वो हर कुंडली की अपनी होती है, विशेष होती है, वो किसी दूसरी कुंडली पे लागू ही नहीं होती। तो वो जानने के बाद अलग से काम। तो मेरे हिसाब से ये बच्चा अब 80-90% बिल्कुल ठीक है, और 10% की जो कमी है जो बाकी अन्य चीजों के कारण से बाइपोलैरिटी एंड हेल्थ हेल्थ इश्यूज डिफरेंट आते रहते हैं उनके ऊपर मैं अब काम कर रहा हूँ। तो वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उस चीज में भी मैं इनको 100% कह सकता हूँ कि काफी हद तक जो है वो ठीक हो जाएंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। आई एम ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, स्पेशलाइज मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, और मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ। मेरा पिछला बैच कंप्लीट हो गया, आजकल उनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ आप ये मान के चलें कि जुलाई एंड और द फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त मैं एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आप जो लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो वो आ सकते हैं। एक बैच अभी मैं शुरू कर रहा हूँ कि नाड़ी के थ्रू कैसे आप देखें मैरिज में कंपैटिबिलिटी, लाइफ पार्टनर कंपैटिबिलिटी, वो सिखा रहा हूँ। तीसरी चीज, नाड़ी की बेसिक कोर्सेज भी कर रहा हूँ जिसमें पूरा नाड़ी को कैसे करा जाता है, शुरुआत से लेके जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। जो नए फ्रेशर्स भी हैं अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं शुरू से करूंगा। तो अगर कोई रियल में सीकर है, यानी कि सीखने के लिए जिसके अंदर तड़प है और जो मेहनत कश है, जो काम करना चाहता है और जो पूरी क्लासेस अटेंड, मैं उन सभी को इनवाइट करूंगा कि वो आए और ज्वाइन करें। तो नमस्कार, धन्यवाद, आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सीवियर और टिपिकल मेडिकल केसेस मैंने सोल्व किए हैं ऑलरेडी, और आगे भी मैं भगवान से कृपा में पर चाहूंगा कि मैं लोगों की इस प्रकार की मदद कर सकूं।